हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का रोशनी कुजिन में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे तवा इडली। ये लेफ्ट ओवर इडली से बहुत ही एक अच्छा सा टेस्टी रेसिपी बनता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इस रेसिपी के लिए हमें इस सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तवा इडली कितने तरीके से बनता है, जब मैंने पहली बार बनाया था तो इसमें मैंने बटर और ऑयल यूज किया था। आज मैं घी और तेल यूज कर रही हूँ। आप कितना वेरिएशन डाल सकते हैं इसमें। आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इडली बनाया था तो थोड़ा सा मिनी इडली बच गया है, तो आज मैं इसको थोड़ा तवा इडली बना के करूँगी। अभी ये गर्म हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड करूँगी। ग्रीन चिली को मैं पहले डाल रही हूँ ताकि उसका जो चिलीनेस है कम हो जाए, तीखापन, और उसका थोड़ा फ्लेवर भी रहे। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है थोड़ा आप ज़्यादा ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैं सांभर पाउडर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम लो कर दीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा। बहुत टेस्टी रहता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। ऑनियन को बहुत बारीकी से काट लीजिए तो ये जल्दी से हो जाएगा। इसको अच्छे से मिला दीजिए। अब चाहे तो खाली बटर भी यूज कर सकते हैं, खाली घी से भी बना सकते हैं। जो ओरिजिनल रेसिपी रहता है उसमें काफ़ी बटर यूज होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि थोड़ा हेल्दी भी रहे और हमारा ये ऑनियन अच्छे से कुक भी हो जाए। देखिए अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैं सारे मिनी इडली को ऐसे इसमें रख दूंगी ताकि अच्छे से वो मसाला कोट हो जाए। इसको थोड़ी देर ऐसे रखिए, थोड़ा सा ऊपर से पानी छिटक दीजिए ताकि इडली थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए और मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले वो। जनरली जो फ्रेश इडली होता है तुरंत निकाल के इसका तवा इडली बनाते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट रहता है और अच्छे से वो मसाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये लेफ्ट ओवर इडली है इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से पानी डाला। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको पलट दूंगी। देखिए अभी इसको आप ऐसे ही लो फ्लेम में थोड़ी देर दूसरी तरफ से भी रखिए ताकि दोनों तरफ से वो
अच्छे से हो जाए। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी कुछ अलग वैरायटी मिल जाता है। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद है, स्पेशली वो मसाला उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आपका ये गर्मा गर्म टेस्टी सा यम्मी सा तवा इडली तैयार है। आप इसको ऐसे खाइए या फिर कोई चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।